हो गया 3:15 और अभी हम आए थे, मतलब अभी नहीं आए, आए हुए हमें 1 घंटा हो गया। अभी हम बना रहे हैं आलू प्याज पराठे, जो कि मैंने खुद बनाए हैं, बंटी ने मेरी हेल्प की है। देखो इधर बंटी लगी हुई है पराठे सेकने के लिए। तो मैंने अपना काम कर दिया, मसाला बना के बेल के रख दिए, मम्मी ने आटा लगा दिया, बंटी सेक रही हैं, सब बारी बारी अपना काम करते हैं। अब ये लोग खा रहे हैं, इधर मम्मी खा रही हैं, उधर बड़े वाला खा रहा है। मम्मी कैसे थे पराठे? होटल पर के पराठे थे, बढ़िया थे। तो इन लोगों ने खा लिए, अभी हम खाएंगे, 2 पराठे और रह गए सेकने, फिर खाएंगे। वाह मेरे सैफ, आपकी तारीफ हो रही, यूँ करें होटल जैसे पराठे हैं। आपको क्यों शाबाशी दे रहा हूँ, मसाला तो मैंने बनाया, मसाला मैंने बनाया है। आप मसाला सिर्फ लगा सकते हो मेरे। तो मैंने रखा है। ओ माय डियर, धुआं ही धुआं है। गाइस ये देखो बंटी सो रही हैं, शाम के 5:30 हो गए, मुंह छुपाने से क्या होता है, और यूं कहती हैं दिन में मैं कभी नहीं सोती। और इधर मम्मी देखो चाय पी रही हैं, इधर बड़े वाला चाय पी रहा है, और परीक्षित देखो मस्ती कर रहा है। चढ़ा है चाहिए, मम्मी तो फोन करके पूछ लिए, गेहूँ का पीछना करे जी चढ़े, दारू बोतल में कौन जड़ा बोतल में लकड़ी दी चढ़ जाए। ओए खटे, गुड इवनिंग। हाँ तो हॉस्पिटल में गए थे, हॉस्पिटल में गए थे, चौसे ले गए। देख डाइट है, साइकिल डाइट है, साइकिल डाइट, साइकिल पापी खेलेगा। एज तो कर लिए, ये लक्षण ना दे दिए। गाइज इधर प्रेक्षित के लिए स्पेशल बेड बना दिया गया है, अब प्रेक्षित यहाँ पे फुल मस्ती करेगा, क्योंकि अभी ये भागने लगा है, ये दौड़ने लगा है, इसलिए इसकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मम्मी इसको पूरा एक्सरसाइज करवाती हैं, पूरा ट्रेंड कर रखा है। प्रेक्षित करो 1 2 3 करो, करो 1 2 3। ये देखो प्रेक्षित का स्टाइल, ये प्रेक्षित कहते प्रेक्षित, ये देखो प्रेक्षित को ऐसे ट्रेंड करती मम्मी, ये क्या कर रहा है प्रेक्षी, ये क्या कर रहा है प्रेक्षी, एक्सरसाइज कर रहा है माँ जी के साथ, माँ जी ने फुल ट्रेंड कर दिया। और ये प्रेक्षित अपने मम्मा के चरण स्पर्श करते हुए, जीते रहो बेटा, पापा के भी किया करो कभी। तो गाइज आज हमारे हलवाई जी बना रहे हैं घर पे होममेड बर्गर। यस व्हाट आर यू थिंकिंग? ये वाला लगाना है, ये वाला बोथ, दोनों के साथ, पर ग्रीन वाली मत लगाओ क्योंकि ग्रीन तो चटनी के साथ हम खा लेंगे ना। ओके यहाँ पे छोटे छोटे स्लाइस काट के रख दिए हैं, और ये बेचारे मेरे छोले कल के भिजे हैं रात के, ठीक है, इनकी ख्वाहिशें इतनी बढ़ के हो गई हैं कि अब बोल रहे हैं कि सुबह बनाना, ठीक है, हम ढक के इसको रख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे आलू बॉयल हो चुके हैं, यहाँ पे हमारे एग बॉयल हो चुके हैं, अभी पहले हम खाएंगे बर्गर और उसके बाद हम एग करी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे, मतलब खाना बनाते बनाते हमें बच जाएंगे आज रात के शायद 12, वैसे तो रोज़ ही 12 बजते हैं, आज कौन से अलग बनेंगे। हेयर्स में ऑयलिंग, ऐसे मेरे चम्पू हेयर्स हो रखे हैं। बाहर प्रेक्षित खेल रहा है आराम से, गद्दे लगा लिए प्रेक्षित के लिए बाहर रेलिंग पे, और हनी ने बना दी है खिचड़ी आलू की, मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। वैसे इसमें खिचड़ी काम आएगी, वैसे तो हमें आलू की टिक्की बनानी है तो खिचड़ी ही काम आएगी। तो अभी फटाफट से बर्गर रेडी करवाती हूँ हनी का, मेरे बिना ये कुछ कर भी नहीं सकते।
तो गाइज हमारी हो गई है टिक्किया भी रेडी, और यहाँ पे हनी बर्गर को पेस्ट लगा रहे हैं अभी, मायोनीज वगैरह, ग्रीन सॉस, रेड सॉस लगाएंगे अभी, और इस तरह से हमारा बर्गर अब हो जाएगा कंप्लीट। और क्या बनाओगे बर्गर के साथ? बर्गर के साथ बनेगी कोल्ड कॉफ़ी, मज़े आने वाले हैं। तो गाइज हमारी कोल्ड कॉफ़ी और बर्गर तैयार हो गया है, ये देखो प्रीक्षित और प्रीक्षित की मम्मा खाने को तैयार हैं। इधर मम्मी और रविंदर का रखा हुआ है, हमने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है, ये लोग कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीते हैं, अभी हम खा लेते हैं। कैसी है कॉफ़ी? कॉफ़ी तो ऑलवेज ऑसम। यस प्रीक्षित, और प्रीक्षित ने नाई नाई कर लिया अपने बाबू जी के साथ। कैसा लगा नाई नाई करके? मज़ा आया? मज़ा। होममेड बर्गर। और ये मम्मी ने पेप्सी खोल दी, क्या बात है। और ये देखो मम्मी पेप्सी और बर्गर के साथ फुल एंजॉय करते हुए। हाँ मा, किसा बर्गर? एक नंबर का। मम्मी घर ही बना ले, देख लो भाई मम्मी मजे ले रही मम्मी फुल पेप्सी और बर्गर के साथ। अब क्या बनाओगे आप खाने में? ये हो गया, वो भी हम खा रहे हैं। चलो आई पंखा कुछ खाएगी तुम।